हेलो फ्रेंड्स आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है आज हम लोग पैरिमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में समझने में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो द पैरिमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स द यूनिट ऑफ पैरिमीटर इज द सेम एज दैट लेंथ तो पैरिमीटर होता है प्लेन फिगर का उसमें क्या होते हैं उसकी जितनी भी साइड के लेंथ होते हैं उन उनका जो एसम होगा वो क्या होगा उसकी पैरीमीटर होगी तो जो यूनिट होती है तो द यूनिट ऑफ पैरीमीटर इज द सेम एज द लेंथ तो जो यूनिट होती है पैरीमीटर की वो क्या होती है उसके लेंथ के सेम होती उसके लेंथ से सेम होती है तो फर्स्ट पैरीमीटर ऑफ आर रेक्ट एंगल लेट ए बी सी डी बी आर रेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ एल यूनिट एंड ब्रेथ बी यूनिट्स तो ए बी सी डी हम लोग के पास क्या है एक रेक्ट एंगल है जिसकी जो लेंथ है वो क्या है एल यूनिट है और जिसकी ब्रेथ क्या है बी यूनिट है तो जो रेक्ट में होती है तो जो रेक्टैंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है उसकी और उसकी जो अपोजिट लाइन होती है वो क्या होती है सेम होती है तो ए बी तो ए बी इजल टू सी डी तो एल यूनिट तो ए बी क्या? तो क्या है एल यूनिट है और सी डी क्या है एल यूनिट है तो दोनों साइड क्या है सेम तो जो दोनों साइड क्या हो दोनों साइड क्या है दोनों साइड क्या है सेम है तो एल यून दो ए इक्वल टू बी बी डी तो ए सी क्या है ए सी और बी डी दोनों क्या है सेम 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 लेंथ क्या है अपोजिट साइड है तो बीन तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए तो रेक्ट तो एंगल में जितनी भी साइड होंगी वो क्या होंगी पेरीमीटर पता करने के लिए रेक्टेंगल एंगल तो हम लोग क्या करेंगे इसकी ऑल ऑफ साइड ऑल साइड्स को क्या करेंगे इसकी क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए तो क्या होगी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी तो एल एल और एल क्या है टू एल और बी प्लस बी इज इजल टू टू बी तो टू तो को हम लोग क्या करेंगे कॉमन करेंगे कॉमन ले लेंगे तो टू इन टू लेंथ और लेंथ तो एल और बी को क्या कर देंगे हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे तो टू टू ब्रैकेट एल प्लस बी तो जब ब्रैकेट लगेगा तो क्या हो जाएगा वो लेंथ ब्रेथ ऑफ स्क्वायर लेट पी क्यू आर एस बी आर स्कवाइडल तो जो स्क्वायर होती है उसकी हर साइड क्या होगी सेम होगी तो इसलिए इसलिए हम लोग क्या उसमें यूज करेंगे एक एक ही यूनिट जो हर साइड में होगी ए यूनिट तो पी क्यू आर एस क्या है हम लोग पी क्यू आर एस हम लोग पास क्या है एक क्यू आर एस हम लोग पास क्या है एक स्क्वायर तो देन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इजल टू एस पी क्यू इजल टू क्यू आर इजल टू आर एस इजल टू एस पी इज इक्ल टू ए तो पी क्यू आर एस की जितनी भी साइड होंगी स्क्वायर की वो क्या होंगी ए तो क्या होंगी सेम होगी तो इसलिए जितनी भी लेंथ होगी एक साइड की वो क्या होगी सेम होगी तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज ईगल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी इजिकल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इजिकल टू फोर ए यूनिट्स तो जो जब हम लोग तो जब हम लोग स्क्वायर का पैरीमीटर निकालेंगे तो उसमें क्या होगा हम लोगों का तो जब हम लोग स्क्वायर का क्या करेंगे पेरीमीटर का कर, निकालेंगे तो उसकी हर साइड क्या होगी एड होगी तो ए प्लस ए प्लस ए ए प्लस ए तो ए क्या फोर टाइम्स आया तो इजिकल टू फोर ए फोर ए तो फोर और ए के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो फोर इन ए तो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा फोर यूनिट होगा पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल टू तो लेट ए बी सी बी आर ट्राइंगल तो ए बी सी क्या एक है? ट्राइंगल है जिसमें इज इक्वल टू तो जो जो से लेंथ है वो क्या होगी ए यूनिट्स सी और ए क्या होगी बी यूनिट और ए बी इक्वल टू क्या होगी सी यूनिट देन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी तो जब हम लोग ट्राइंगल का वो ट्राइंगल का पैरामीटर निकालेंगे उसकी भी क्या करेंगे सब साइड को क्या कर देंगे सम कर देंगे तो ए प्लस बी बी तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी एजू ए प्लस बी प्लस सी तो ए प्लस बी प्लस सी तो जो पैरीमीटर होगा ट्राइंगल का वो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी यूनिट होगा तो जहाँ तो वेयर ए बी सी आर इट्स इट्स साइड तो जहाँ पे ए बी और सी क्या होंगे थ्री ट्राइंगल के थ्री साइड्स होंगे आज हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर के बारे में समझा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक